वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा अपने F-15EX फाइटर को इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करने का ऑफर दिया गया है और वो इस फाइटर को महिंद्रा डिफेंस और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिया में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंडियन एयरफोर्स नए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती है और इसके लिए उन्होंने एक टेंडर को भी निकाला है। तो इसी टेंडर में कई सारी देशों की कई सारी कंपनियों ने भाग लिया है और अपने एयरक्राफ्ट को पेश किया है। तो उसी कड़ी में ये अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा भी अपने F-15EX फाइटर को पेश किया गया है और वो इसे इंडिया में ही लोकली मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। उनके इस प्रपोजल को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा भी 2021 में पास कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम आपको इसी F-15EX के खासियतों के बारे में बताएंगे कि ये कितना डेडलीस्ट फाइटर है और ये भी बताएंगे कि क्या ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता है। F-15EX F-15 स्ट्राइक ईगल का ही एक एडवांस वेरिएंट है जिसे ईगल 2 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक हैवी क्लास का फाइटर है जो ऑल वेदर एयर सुपीरियरिटी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। F-15 स्ट्राइक ईगल अपने क्लास में सबसे ज्यादा वेपन कैरी करने वाला फाइटर है। ये एक साथ 13 टन के पेलोड को कैरी कर सकता है। अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड मैक 2.5 है, यानी 2656 किलोमीटर पर आवर की, जो कि इसे दुनिया का सबसे तेज एयरक्राफ्ट बनाता है। अगर हम बात करें इसके वेपन्स की तो ये 13 टन के वेपन्स को कैरी करता है जिसमें वाइड वैरायटी के वेपन्स होते हैं। ये एक साथ 22 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है। ऐसा सिर्फ F-15EX के द्वारा ही किया जा सकता है। दुनिया में और कोई भी फाइटर एक साथ 22 एयर टू एयर मिसाइल नहीं कैरी कर सकता है। एयर टू एयर मिसाइल के तौर पे ये M7 स्पैरो, M9 साइडवाइंडर और M120 एमराम मिसाइल को यूज करता है। वहीं पे एयर टू सरफेस की बात करें तो ये कई प्रकार की मिसाइल जैसे AGM-65 मैवरिक, AGM-85 हार्पून, AGM-84 और कई तरीके की मिसाइल को कैरी करता है। अगर इस एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले बम्स की बात करें तो ये कई तरीके की गाइडेड, अनगाइडेड वो लेजर गाइडेड बम्स का यूज करता है। इस एयरक्राफ्ट के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जिसमें इस एयरक्राफ्ट ने बिना किसी सिंगल लॉस के 104 फाइटर एयरक्राफ्ट को मार के गिराया है। ऐसा अब तक किसी फाइटर जेट के द्वारा नहीं किया गया है। एडवांस वेपन्स के साथ साथ इस फाइटर एयरक्राफ्ट में एडवांस रडार और कई तरीके के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को भी लगाया गया है जो इसे एक बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाते हैं। अगर हम कुल मिला के देखें तो ये एयरक्राफ्ट एक बेहतरीन वेपन पैकेज और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ आता है जो कि निस्संदेह एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। लेकिन क्या इसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदा जा सकता है? तो मुझे नहीं लगता है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदा जाएगा, क्योंकि ये एक हैवी वेट क्लास का फाइटर है और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पहले से ही एक हैवी वेट क्लास का फाइटर इस्तेमाल किया जाता है जो सुखोई Su-30 MKI है। जब इंडियन एयरफोर्स काफी बड़ी मात्रा में सुखोई को ऑपरेट कर रही है तो वो इस फाइटर को क्यों खरीदेगी? इंडियन एयरफोर्स को एक 4.5 जनरेशन का मीडियम मल्टी रोल फाइटर चाहिए, ना कि एक हैवी वेट क्लास का फाइटर चाहिए। अगर हम सुखोई और F-15EX की कंपैरिजन करें तो F-15EX निसंदेह सुखोई से अच्छा एयरक्राफ्ट है, लेकिन सुखोई को अगर अपग्रेड कर दे इंडियन एयरफोर्स तो वो इस F-15EX के बराबर का फाइटर बन जाएगा और भविष्य में सुखोई को अपग्रेड भी इंडियन एयरफोर्स करेगी। इसीलिए इस एयरक्राफ्ट को खरीदने के चांसेस एयरफोर्स के लिए कम दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करें कि इंडियन एयरफोर्स किस एयरक्राफ्ट को ले सकती है, तो सबसे ज्यादा संभावना जो है वो है डसॉल्ट राफेल की, क्योंकि राफेल एक 4.5 जनरेशन का मीडियम क्लास का मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि अभी 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट में सबसे एडवांस फाइटर माना जाता है और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भी इस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम MRFA टेंडर की बात करें तो इस टेंडर में स्वीडन की तरफ से अपनी Saab Gripen, रसिया की तरफ से अपने Su-35 और MiG-35, वहीं फ्रांस की तरफ से अपने डसॉल्ट राफेल और अमेरिका की तरफ से अपने F-21 और F-15EX को ऑफर किया गया है। अब देखना यह है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किस फाइटर को चूज किया जाता है। वैसे मेरा मानना यह है कि इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें डसॉल्ट कंपनी के राफेल ही पूरी तरीके से फिट बैठता है, इसीलिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा राफेल को ही लिया जाएगा। लेकिन आपका क्या मानना है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद।